सर पहले तो सर्जरी के बारे में बेसिक सर्जरी बता दीजिए कि है क्या, मैं कैसे करते हैं ये सर्जरी हम? जी ये होती है लेप्रोस्कोपी वाली सर्जरी। लेप्रोस्कोपी वाली सर्जरी को हम आम भाषा में दूरबीन वाली सर्जरी भी कहते हैं। सर्जरी करने के दो मेन तरीके हैं, एक है पूरा पेट खोल के और उसके बाद देखो और सर्जरी करो। दूसरा तरीका क्या है कि आप कैमरा अंदर डालो छोटे छोटे से होल से और उस कैमरे के थ्रू टीवी पे देखो कि अंदर क्या है, जो आप पेट खोल के देख रहे हो उसकी जगह कैमरे से देखो और फिर वही जो इंस्ट्रूमेंट आपके पेट खोल के बड़े बड़े डाल रहे हो उनको आप छोटे छोटे ऐसे लंबी, जैसे सीजर है आपकी, ये ओपन सीजर है, अब इसी सीजर को मैं छोटा सा करके और इतने लंबे डंडी पे ले लूँ तो ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है दूरबीन का। मैं 5 mm यानी कि आधी सेंटीमीटर से पेट में जाऊँगा, सर्जरी करूँगा। पेशेंट का पेन जो है वो स्किन पे कितना बड़ा कट है उससे होता है। अगर मैं इतना बड़ा कट दूंगा बहुत पेन होगा, रिकवरी स्लो है, वुंड में इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। वहीं पे मैं अगर छोटा छोटा कट दूंगा मेरी रिकवरी ऐसे होगी, मेरे को उस पर बैंडेड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतनी चोट तो हमें रूटीन में लगती रहती है, पेन बहुत कम है, दवाइयाँ बहुत कम खाने की है, राइट। तो ये वाली सारी चीज़ें जो है इसको हम लेप्रोस्कोपी या दूरबीन वाली सर्जरी कहते हैं। नाउ इसका एडवांटेज क्या है, मेन एडवांटेज क्या है, हम अपनी आंखों से एक चीज को देखते हैं, दूसरा अब कैमरे से जो देखते हैं, जैसे आप अगर मेरी फोटोग्राफ लेते हो, मेरी फोटोग्राफ 100% जैसे मैं आपको अपनी आंखों से दिखाऊँ उससे कहीं बेटर दिखेगी। आप उस फोटो को मैग्नीफाई करके जूम करके देख सकते हो, आपको एक एक फाइन डिटेल नजर आएगी। ये एडवांटेज दूरबीन की सर्जरी में, इसीलिए दूरबीन की सर्जरी में एक्सपर्ट हैंड्स में जो कॉम्प्लिकेशन है पेशेंट के लिए वो भी कम है, ये एक्स्ट्रा एडवांटेज है पेशेंट के लिए। सर इसमें दर्द पेन कितना होता है, मतलब एक्चुअल में जितने सर्जरी सर्जरी कराते हैं वो पेन से बचने के लिए कराते हैं या कॉम्प्लिकेटेड केसेस में कराते हैं, इस मामले में क्या रहता है? एग्जैक्टली, बहुत सही क्वेश्चन है ये। एक्चुअली पेन स्कोर जो होता है ना वो आपके कट पे डिपेंड करता है, बॉडी पे। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था आपने 10 सेंटीमीटर का कट दिया, आप इसको कंपेयर करो एक सीजरियन सेक्शन से। सीजरियन सेक्शन के टाइम में आपने 10 सेंटीमीटर का कट दिया, कट मारा, बेबी को बाहर निकाला, उसके बाद आपने सिल दिया, पेन जो होगी वो 4 घंटे नहीं होगी, उसके बाद पेन आनी शुरू हो जाएगी। पेशेंट आपका बेड से नहीं उठता 1 से 2 दिन के लिए, रिकवरी स्लो जाती है, ये मत करो वो मत करो, नहाओ मत या फिर वो ड्रेसिंग लगाओ जो बिल्कुल वाटरप्रूफ हो, या एन नंबर ऑफ थिंग्स रिकवरी में, राइट। वहीं पे आप अब कंपेयर करो नॉर्मल डिलीवरी से, जो नॉर्मल तरीके से जो कुदरत ने बनाया हुआ है, बिल्कुल इतना सा कट लगता है, हीलिंग बहुत फास्ट है, चलना फिरना बहुत फास्ट है, पेन बहुत कम है, हर एक एडवांटेज है, यू नो रिकवरी ओवरऑल बढ़ गई। यही चीज अब आप एक ओपन सर्जरी करवाते हो, मान लीजिए रसोली निकलवानी है या गर्भाशय जो होता है बच्चेदानी वो निकलवानी है या फिर इनफर्टिलिटी की सर्जरी करवानी है, तो आपके पास दो तरीके हैं, एक है पेट बड़ा कट देके सीजरियन की तरह, दूसरा है दूरबीन के थ्रू जो मैंने बताया। जब आप उसको कट देके करोगे तो डेफिनेटली पेशेंट की रिकवरी स्लो रहेगी, पेन ज़्यादा होगा, दवाई ज़्यादा खानी पड़ेगी, बेड रिडन ज़्यादा होगा, मोर ओवर कॉम्प्लिकेशन रेट भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपका विजन कैमरे से पुअर विजन है। वहीं जब आप कैमरे वाली सर्जरी दूरबीन वाली सर्जरी करते हो, पेशेंट की रिकवरी सुपर फास्ट है, कट इतने छोटे छोटे हैं, अगले दिन से नहाओ जी कोई दिक्कत नहीं है, यूरिन का पाइप हम डालते नहीं है, पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल है, चल फिर रहा है, सेम डे उठ के खुद यूरिन पास कर रहा है ऑन द डे ऑफ सर्जरी, अगले दिन छुट्टी हो जाती है, नहाना धोना अलाउड है, टांगों पे पानी लगाओ, आपके घर पे यहाँ पे चोट लगी आप थोड़ी ना उस पे पानी को अवॉइड करते हो, आप कहते हो ठीक है पानी लगाया, साफ किया, डिटॉल लगाई, काम खत्म। ये सारे एडवांटेज लेप्रोस्कोपी की सर्जरी में है। नाउ कैमरे की क्वालिटी सुपर, हमारी आंखों से कहीं ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम है। अब एक सबसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरा जो है एब्डोमेन पे सबसे नीचे कट लगा है सीजरियन के लिए या किसी सर्जरी के लिए, मैं कभी भी पेशेंट का लिवर नहीं देख सकता, ऊपर जाना पड़ेगा ना। लेप्रोस्कोपी में मैं नाभि के थ्रू एक कैमरा डालता हूँ, वो 360 डिग्री से ऐसे घूमता है, मैं हर एक डिफिकल्ट एरिया को भी अप्रोच कर सकता हूँ। तो ये सारे एडवांटेज है जो दूरबीन की सर्जरी के हैं। सर इसका टाइमिंग क्या है? टाइम क्या है? टाइमिंग जो है सर्जरी की, आप सर्जरी के टाइम अगर पूछते हो एक्सपर्ट हैंड्स में ओपन सर्जरी वर्सेज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, एक्सपर्ट हैंड में आपकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी फास्टर, ज्यादा जल्दी फिनिश होती है ओपन सर्जरी से एक्सपर्ट हैंड में, राइट। बिगिनर लेवल पे आप बोलोगे तो दे आर डॉक्टर्स जो 3 घंटे भी लगा रहे हैं एक सिंपल सा यूट्रस निकालने में, एडवांस लेवल पे जाओगे तो दे आर डॉक्टर्स जो 10 मिनट में वही सर्जरी कर देते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गली के क्रिकेटर हो या फिर विराट कोहली हो, ये धीरे धीरे एक्सपर्टीज के साथ में आता है और एक्सपर्टीज के साथ में आपकी सर्जरी की स्पीड जो ओपन सर्जरी है उससे कहीं ज़्यादा है। क्यों? ओपन सर्जरी में आपने पेट खोला, उसके बाद लेयर में सिलोगे ना, लेयर में सिलने में टाइम लगता है,
वहीं दूरबीन में आपने छोटे छोटे से होल बनाए हुए होते हैं, आपको उसको लेयर में क्लोज ही नहीं करना, आपने केवल यहाँ पे चोट लगी है 5 mm की, आप उस पर टांका मारते हो, नहीं मारते हो, ये हीलिंग अपने आप हो जाती है। तो मेरा जो टाइम इसको क्लोजर का है वो बच जाता है, पेशेंट की रिकवरी ओवरऑल फास्ट हो जाती है, मेरी सर्जरी भी फास्ट हो गई। खर्चे का भी कोई इसमें है, जैसे कोई खर्चे का भी इसमें कम क्योंकि मैटर करता है खर्चा भी, जो सर्जन जो सर्जेरियन सर्जरी है उसके मुकाबले ज्यादा है, कम है, क्या रहता है? आपने ये बहुत वाजिब क्वेश्चन है जी। अब हम कॉस्ट की बात करते हैं। आज के टाइम में आपके पास में मोबाइल कैमरा है, मोबाइल कैमरे में आप सबसे पहले जब जाके पूछते हो, पूछते कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, कितना अच्छा कैमरा है, और ये वाजिब सी बात है कि जितना अच्छा कैमरा कॉस्ट भी बढ़ गई। आप उस कैमरे पे जब पैसा लगाते हो, ये फ्री में तो नहीं आ रहा। ऐसे ही हमारा जब दूरबीन का कैमरा है, जितनी अच्छी क्वालिटी, हमारा कैमरा जो है वो 5 लाख से शुरू हो जाता है और जाता है 1 करोड़ तक। जितनी अच्छी क्वालिटी का कैमरा होगा उतना मैं अच्छा आपको डिलीवर कर पाऊंगा। हमारी ह्यूमन मेंटेलिटी का क्या प्रॉब्लम है, हम हफ्ते ही हफ्ते खाना खाने जाएंगे बाहर, उस पर खर्च करेंगे, हम मूवी भी देखने जाएंगे, बट हेल्थ का जब विषय आएगा ना, हम सबसे सस्ता ऑल्टरनेटिव देखते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरा गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा ये इश्यू है कि आपका गाड़ी का जो है, गाड़ी है आपकी, बाइक है, उसका इंश्योरेंस इज मैंडेटरी, बट हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट मैंडेटरी। क्यों? क्योंकि हेल्थ जो है वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है। ये हम लोगों की प्रॉब्लम है, हमारी सोच की प्रॉब्लम है। इस चक्कर में हम जो है वो कतराते हैं पैसा खर्च करने में, जबकि जानते हैं कि ये ओपन सर्जरी और ये दूरबीन की सर्जरी थोड़ा महंगा जरूर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट बहुत महंगे यूज कर रहा है जिससे मेरी क्वालिटी अच्छी हो रही है, बट हम उसको स्पेंड नहीं करना चाहते। ये हमारी मेंटेलिटी है, जो समझ जाता है वो इसी में जाता है, दूरबीन वाली में। सर, ये अभी तक दूरबीन जो सर्जरी है ये इतनी पॉपुलर क्यों नहीं है, मतलब लोगों को इतना मैसेज क्यों नहीं जा पाया, क्या रीजन रहा कि दूरबीन सर्जरी पुरानी होने के बावजूद अभी भी तक इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई? देखो, दूरबीन की सर्जरी को चलते हुए सालों साल हो गए हैं। दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम तो ये है कि जब हमारी खुद की ट्रेनिंग होती है डॉक्टरों की, तो हम यूजली टू बिगिन विद ओपन सर्जरी पे ट्रेन होते हैं। जैसे आप अगर टू व्हीलर चलाते हो तो सबसे पहले साइकिल चलाते हो बाय डिफॉल्ट, आप सीधा स्कूटर नहीं चलाते या बाइक नहीं चलाते। सिमिलरली हम सब की ट्रेनिंग पहले ओपन सर्जरी में होती है। अब सिंपल सा लॉजिक है, साइकिल वर्सेज स्कूटर वर्सेज कार, आपका व्हीकल कौन सा बेटर हो जाता है, एवरीबडी नोज। वैसे ही हमने जब ओपन सर्जरी शुरू की, विच इज़ वेरी इजी, हर कोई बचपन से सीखा है इसको करना, बहुत सौखा है, आपको कोई एफर्ट नहीं डालना। तो हम डॉक्टर्स जो ओपन वाले हैं वो कन्विंस ही यही करते हैं कि ओपन ही करवाओ। जब आप एडवांस लेवल पे हम जैसे डॉक्टर चले जाते हैं, फिर हम बोलते हैं कि नहीं, इसका एडवांटेज है, इतना ज़्यादा एडवांटेज है कि पेशेंट को बहुत बेनिफिट मिलेगा, तब हम लेप्रोस्कोपी को काउंसिल करना शुरू करते हैं। अब हर एक जो बाइकर है या हर एक गाड़ी चलाने वाला स्पीड रेसर नहीं है, उसके लिए आपको अलग लेवल की जो है वो ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो हमारा लेवल भी दूरबीन की सर्जरी में धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और इवेंचुअली एक लेवल ऐसा आता है जहाँ पे हमारी सर्जरी, जो मैंने कहा था कि 10-10 मिनट के अंदर फ्लॉलेसली विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन फिनिश हो जाती है, राइट? तो इसीलिए ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई है, क्योंकि कहीं कुछ कमी हमारी तरफ से रहेगी और कुछ कमी पेशेंट की तरफ से रहेगी कि वो अपनी हेल्थ को जो है वो सेकेंडरी मानता है, वो प्राइमरी नहीं मानता। तो ये बहुत जरूरी है आज के विषय में, हम डॉक्टरों को भी ऊपर उठना है और पेशेंट्स को भी अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव लेके आने की जरूरत है कि हेल्थ जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। सर, इसका सक्सेस रेट कितना का है? सक्सेस रेट सर्जरी का जी, ओपन सर्जरी से कहीं ज्यादा। आप एक पर्टिकुलर सर्जरी करवाते हो, ओपन सर्जरी करवाते हो, पेट अंदर एकदम जैम पैक है, चिपका हुआ है, जिसका पिछले 2 या 3 सर्जरीन हो रखे हैं या 2-3 सर्जरी हो रखी है, पेट में एडिजन हो गया, चिपक गया है। आप ओपन सर्जरी करते हो, आपका विजन जो है, अब यहाँ पे जो दो टिश्यू है, ये मान लियो आपकी इंटेस्टाइन है, ये आपका यूट्रस है, उसके बीच में ऐसे चिपक गया है, आप अपनी आंखों से इतना ही देख सकते हो, बट मैं जब कैमरा लगाऊंगा बढ़िया वाला मेरा, तो ये मेरा वाला जो इमेज है मेरे टीवी पे, यू नो 32 इंच का टीवी है, उस पर ऐसे दिखेगा, गॉट इट, मैग्नीफाइड इमेज। अब मैं इस लेवल पे जाऊंगा बीच में, मेरा कॉम्प्लिकेशन रेट कम हो गया ना, वाई? बिकॉज बावल अलग हो गया, कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, यूट्रस अलग है, मेरे को सर्जरी यहाँ करनी है। तो सक्सेस रेट लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की फार मोर है, खास तौर पे चिपके हुए केसेस में, लेप्रोस्कोपी में एक्सपर्ट हैंड्स। ठीक है सर, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, आप ये नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी और दूरबीन डिलीवरी में से आप कौन सी प्रेफर करेंगे? नहीं जी, ये डिलीवरी एक अलग चीज है, हम जो है ना डिलीवरी को केवल एक कंपेयर करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सिजेरियन एंड नॉर्मल, ये है डिलीवरी का पार्ट, बच्चा निकालने का पार्ट। दूरबीन की सर्जरी में बच्चा नहीं निकाला जाता, सीजेरियन नॉर्मल लैंग्वेज में हर एक ओपन सर्जरी को सीजेरियन बोल देते हैं, जैसे किसी ने बच्चेदानी निकलवाई
बोलेंगे सीजेरियन से हुआ था, नहीं जी वो सीजेरियन नहीं है, सीजेरियन एक पर्टिकुलर टर्म है जो केवल पेट खोल के बच्चा निकालने वाली सर्जरी को बोला जाता है। हमारी डॉक्टरों की लैंग्वेज में उसे ओपन सर्जरी बोलते हैं कि बच्चे का निकला ओपन सर्जरी से। ओके, सिमिलरली जो आपका ये वाला है नॉर्मल डिलीवरी जिसमें आपका टांका इतना सा लगता है या कहीं में लगता भी नहीं है, वो नॉर्मल डिलीवरी होती बिना टांके की, इसको हम लेप्रोस्कोपी से कंपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि या तो टांका लगता ही नहीं है, लगता है तो एक एक टांका लगता है जैसे नॉर्मल डिलीवरी होता है, तो रिकवरी जो है वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाती है इसके अंदर पेशेंट। और ये सुविधा लेप्रोस्कोपी की कितनी जगह है चंडीगढ़ में? लेप्रोस्कोपी के कितने सेंटर है? जब मैं आया था तो बहुत सारी सर्जरीज यहाँ पे नहीं हो रही थी उस टाइम में, कुछ न्यू कंसेप्ट थे जो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही हमें सुनने को मिलता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सुनने को मिलता है, वो सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किए गए, वो सर्जरी स्टार्ट की गई, जो बहुत सारे पेशेंट थे जो जिनको पहले दिल्ली या मुंबई जाना पड़ता था उन पर्टिकुलर सर्जरी के लिए, वो सारे के सारे अब यहीं हो रहे हैं। तो अब जो है वो सिनेरियो काफ़ी चेंज हो चुका है, अब अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, लेप्रोस्कोपी के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मैं ऑलमोस्ट हर साल एक कॉन्फ्रेंस करता हूँ, ये मेरा फोर्थ इवेंट है एनुअल इवेंट। इस साल हमने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की है जिसमें ऑल ओवर इंडिया सीनियर मोस्ट फैकल्टी जिनसे हम लोगों ने भी सीखा हुआ है उन सबको यहाँ पे बुलाया गया है, नॉर्थ से, नॉर्थ में हम हैं, ईस्ट से, हार्ट ऑफ द कंट्री दिल्ली से, वेस्ट राजस्थान महाराष्ट्र गुजरात से, साउथ में अपना हैदराबाद हो गया, कोची हो गया, इन सबसे नेशनल फैकल्टीज को बुला करके एक ही एजेंडा रहा है कि यहाँ पे हमारे पंजाब के अंदर हमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को इतना पॉपुलर करना है कि हमारे पेशेंट्स को बेनिफिट मिले, डॉक्टर्स उससे ज़्यादा प्रोग्रेस हों और वही बेनिफिट हमारे पेशेंट्स को पास हों। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। कोई एक टिप हमारे सदस्यों के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए, कोई हेल्थ टिप सर, स्पेशली फीमेल सर? राइट, एक हेल्थ टिप की अगर बात की जाए, नंबर वन अपनी हेल्थ, जो हमारी, हमारे क्या होता है कि फीमेल अपनी हेल्थ को हमेशा सेकेंडरी रखती है, खाना भी बाद में खाएगी, हर एक चीज़ बाद में करेगी, पहले मेरा बच्चे हैं, मेरा घरवाला है, मेरे सास ससुर हैं। मुझे लगता है कि आपके घर का मेन पिलर जो है ना वो एक वुमन है, वो एक लेडी है। ये बात एक लेडी को भी समझनी चाहिए, घर वालों को भी समझनी चाहिए। अगर वो मेंटली एंड फिजिकली फिट है तो पूरा घर संभला हुआ है। उसके लिए उनका जो एनुअल चेकअप है वो होना चाहिए। इंडिया के अंदर सर्विक्स का कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसके लिए हर 3 साल के अंदर पैप स्मीर होनी चाहिए, और हर एक फीमेल को 13-14 साल के बाद में एक सर्विक्स के कैंसर को रोकने वाली वैक्सीन होती है जो कम से कम मिनिमम 50% जो है आपको बेनिफिट देती है सर्विक्स कैंसर से बचाने के लिए। उसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हर एक फीमेल जो है वो उस वैक्सीन को लगवाए, उसको अवेयरनेस हो कि 13 एज की एज पे वो वैक्सीन लगवानी ही लगानी है, जैसे कि आप हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवाते हो, पोलियो की वैक्सीन लगवाते हो, तो ये भी आपका नेशनल प्रोग्राम में होना चाहिए। ये सरकारें इस पे गंभीर क्यों नहीं है? सिर्फ कुछ चीज़ें होती है जो धीरे धीरे करके आती है, नेशनल प्रोग्राम में आती है, इट टेक्स टाइम। जैसे पोलियो है वो एकदम से तो नेशनल प्रोग्राम में नहीं आया था, टीबी एकदम से नेशनल प्रोग्राम में नहीं आया था, धीरे धीरे हर एक चीज़ जो है वो उसमें जुड़ती जाती है। पैप स्मीयर अभी एकदम रूटीन हो गया है गवर्नमेंट सेटअप के अंदर कि करना ही करना है हर 3 साल के अंदर, वैसे ही आई एम होपफुल कि कहीं ना कहीं नियर फ्यूचर ये भी एक नेशनल इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम बन जाएगा, जो खासतौर पर सर्विक्स कैंसर वाली वैक्सीन है उसकी।